हेलो एवरीवन, वेलकम विद अनदर वीडियो। आज हम फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ स्टेप सीखेंगे, जिनको फॉलो करके आप फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। तो अभी हमें रिस्ट एंड शोल्डर का वार्म अप करना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज से पहले। तो हम ये जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही हैं, ये आप एक्सरसाइज करके आप रिस्ट एंड शोल्डर का वार्म अप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका फ्रॉग स्टैंड में अपने फिंगर्स को वाइड रखना है और अच्छे से ग्राउंड को ग्रिप करना है, और इस पोजीशन में आपको आगे की साइड प्रैक्टिस करनी है और होल्ड करना है 5 to 10 seconds। सेकेंड स्टेप में आपको अपनी लेग्स को शिफ्ट करना है फ्रॉग पोजीशन में ही रह के। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वन बाय वन अपनी लेग्स को आपने शिफ्ट करना है स्लोली। थर्ड स्टेप, लेग एक्सटेंशन। जब आपका लेग शिफ्ट अच्छे से होने लग जाए, तो अपनी लेग्स को वन बाय वन आपको एक्सटेंड करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फोर्थ स्टेप में आपके हैं बोथ लेग एक्सटेंशन। अगर आप सिंगल लेग एक्सटेंशन कर चुके हैं, तो भी आपको दोनों लेग्स को एक्सटेंड करना है। फिफ्थ स्टेप आपका वॉल असिस्टेड प्रेस। इसमें आपको वॉल के पास जाना है और आपको फोर स्टेप को रिपीट करते हुए अपनी लेग्स को धीरे धीरे वॉल के साथ टच करना है, और वापस से आपको स्लोली वापस से फ्रॉग पोजीशन में आने का ट्राई करना है। फिफ्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये है आपका फाइनल स्टेप।